हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जो बुद्धि परीक्षण है वो आज ख़त्म हो जाएगा। मतलब बुद्धि परीक्षण क्या, आज तो हम बुद्धि का ही निपटारा कर देंगे। तो बस लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा वो देख कर आइए। और अगर आपको वीडियोस नहीं मिले, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे साइको की वीडियो के बाद में राजस्थान जीके की वीडियो आ गई तो दिक्कत होती है ढूंढने में। आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है आपकी सहूलियत के लिए, प्लीज़ जा करके चेक कर लिया करिए डेली, ठीक है। वहाँ पर आपको डेली लेक्चर जैसे भी अपलोड होते हैं, मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं इनको प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको जितने भी लेक्चर्स हुए हैं अब तक, आपको सब 1 2 3 4 करके मिल जाएंगे वहीं पे, ओके। तो आज हम बुद्धि को ख़त्म, बस इसको टाटा बाबा ही बोलने वाला है ना। तो बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षणों का सर्वप्रथम जो परीक्षण है वो औपचारिक रूप से मापन फ्रांस देश में अल्फ्रेड बिने द्वारा बिने परीक्षण देकर किया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे बिने परीक्षण किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना ये बुद्धि से संबंधित है, पहली चीज़। या आपसे पूछे बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम परीक्षण किसने किया, तो ध्यान रखना अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। अल्फ्रेड बिने का बहुत बड़ा योगदान है बुद्धि के नाम में। अब देखो, बुद्धि का सबसे अधिक अध्ययन फ्रांस देश में हुआ था। बुद्धि की सर्वप्रथम औपचारिक परिभाषा जो है वो 1923 ईस्वी में बोरिंग नामक विद्वान ने दी थी, ठीक है। औपचारिक रूप से परिभाषा किसने दी थी, आपको पता है ना औपचारिक और अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक मतलब सबको सिस्टमेटिक टाइप का, अनौपचारिक बस बोल दिया मौखिक लिए, ठीक है। तो औपचारिक, अब आप लोग सोच रहे होंगे ना मैं मौखिक लिए क्या होते हैं, बेटा पढ़ाते हैं ना तो 1 2 बड़े से निकल आते हैं, मतलब मौखिक बोल दिया, ठीक है, आप समझ तो गए ना। तो बुद्धि की सर्वप्रथम औपचारिक परिभाषा 1923 के अंदर बोरिंग नामक विद्वान ने दी थी। बिने परीक्षण का जो प्रयोग है वो 2 से 16 वर्ष के बालकों के लिए किया गया था, ठीक है। तो बिने परीक्षण का जो प्रयोग है वो 2 से 16 वर्ष के बालकों पर किया है। और 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने तथा उसके सहयोगी थियोडोर साइमन द्वारा बिने साइमन मानक्रम बिने स्केल को दिया गया। तो आपसे अगर कोई पूछे बिने साइमन स्केल या बिने स्केल कब दी गई, तो ध्यान रखना 1905 में। अल्फ्रेड बिने तो मेन थे ही, बट इनके सहयोगी थे जो इनकी हेल्प करते थे वो थे थियोडोर साइमन। तो इन दोनों ने मिलकर ये स्केल दी थी, इसी वजह से इसका नाम पड़ा बिने साइमन मानक्रम, ओके। और इसमें कितने प्रश्न थे, तो ध्यान रखना इसमें जो है 30 प्रश्न थे। 1905 में जब बिने साइमन मानक्रम दिया गया तब उसमें प्रश्न थे 30, बट 1908 ईस्वी के अंदर बिने द्वारा प्रथम संशोधन किया गया है ना, उसके बाद में इन्होंने मानसिक आयु संपत्तियों को भी मतलब ऐड कर दिया। इसके बाद में 1911 ईस्वी में बिने द्वारा द्वितीय संशोधन हुआ था और इसमें प्रश्नों की संख्या हो गई थी 54, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहली चीज़ बिने साइमन स्केल कब आई, तो 1905 में आई थी, अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी थियोडोर साइमन ने दी थी। तो उस टाइम पे इसमें जो प्रश्न थे वो 30 थे, बट 1911 ईस्वी के अंदर द्वितीय संशोधन के बाद में जो क्वेश्चंस की संख्या हो गई वो 54 हो गई, ठीक है। 1916 ईस्वी में टर्मन द्वारा बिने स्केल में प्रथम संशोधन किया गया। अब देखो, ये जो प्रथम संशोधन है ना, ये प्रथम संशोधन वो बिने साहब ने अपनी मर्जी से खुद ने अपनी स्केल में किया था, ठीक है। बट 1916 के अंदर टर्मन नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बिने स्केल में संशोधन किया था, ठीक है। तो किसी और के द्वारा हो रहा है इनकी स्केल में संशोधन। नाम फिर स्टैनफोर्ड बिने साइमन बुद्धि, आई थिंक ये मानवीय है, ठीक है, स्टैनफोर्ड स्केल। तो अब ऑब्वियस है, थोड़ा संशोधन किया है तो अपना नाम तो ऐड करेंगे ही ना। तो इसी वजह से स्टैनफोर्ड बिने साइमन बुद्धि स्केल या स्टैनफोर्ड स्केल के नाम से याद कर लो। इसके बाद में इसमें बुद्धि लब्धि संपत्ति का प्रयोग किया गया। तो बुद्धि लब्धि IQ है, आप लोग बोलते हो ना बहुत, इसकी IQ बहुत बड़ी, बहुत तेज है ना। बुद्धि लब्धि के बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो आपको इस पेपर पे सिर्फ 2-3 चीज़ें ही याद रखनी है। पहली चीज़ ये कि बुद्धि परीक्षण किसने दिया सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद में जो ये स्केल थी वो किसने दी थी, बिने साइमन मानक्रम वाली, है ना। और इसके बाद में आप सिर्फ ये ध्यान रख लेना कब 30 क्वेश्चन थे और कब 54 हुए। उसके बाद में आपको ये स्टैनफोर्ड स्केल इसके बाद में आता है, ऐसे करके ध्यान रख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। 1937 ईस्वी में टर्मन तथा मेरिल द्वारा द्वितीय संशोधन हुआ था और इसमें परीक्षण के 2 भाग L और M ऐड किए गए थे।
तो आप इनको ज़्यादा डीप में मत जाओ तो ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा डीप में ना जाओ तो ही बढ़िया है, वरना पता चला अब तक तो बुद्धि समझ में आ रही थी, आज वाले लेक्चर में खिचड़ी पक चुकी है, ठीक है। और टर्मन द्वारा तृतीय संशोधन कब हुआ, तो आप तो इतना ध्यान रख लो, तृतीय संशोधन होने के बाद में जो क्वेश्चन की संख्या है वो 54 से 90 हो गई थी, ठीक है। और ये जो 90 क्वेश्चन थे ना, इसमें से 19 क्वेश्चन बिना स्केल से कॉपी पेस्ट मारे गए थे। बुद्धि लब्धि संपर्ते को जर्मन विद्वान स्टर्न ने दिया तथा इसको प्रसिद्ध टर्मन ने 1916 में दिलाई। तो अब जैसे मैं हाईलाइट करती हूँ ना, इनको नहीं छोड़ना है भाई साहब, यहाँ से एज इट इज सवाल आ सकता है। पहला सवाल तो यही बन जाता है कि बुद्धि लब्धि संपर्ते के बारे में किसने बताया, तो ध्यान रखना स्टर्न ने बताया था, ठीक है। और इसको प्रसिद्धि दिलवाने का काम किसने किया था, तो टर्मन ने किया था। अब अगर कहीं अगर आपने ये हल्के में पढ़ा है और बुद्धि लब्धि संपर्ते के बारे में सवाल आया है और ऑप्शन के ऑप्शन में आपको स्टर्न भी दिखेगा और टर्मन भी देखेगा, 110% श्योर हूँ आप कंफ्यूज होकर नेगेटिव करके आओगे। तो आपको ध्यान रखना है बुद्धि लब्धि संपर्ते को जर्मन विद्वान स्टर्न ने तो दिया था, बट इसको प्रसिद्धि दिलवाने का जो काम है वो टर्मन ने 1916 ईस्वी में किया, राइट। 1905 के काल को बुद्धि के क्षेत्र में बंजर काल कहा जाता है, ध्यान रखना बुद्धि के क्षेत्र में बंजर काल है कौन सा, 1890 से 1905 वाला, ठीक है। क्योंकि आई थिंक इस काल के दौरान बुद्धि पर कोई भी रिसर्च वगैरह नहीं की गई होगी, इसी वजह से बंजर है, ठीक है, जैसे बंजर भूमि होती है उसी तरह से। तो 1890 से 1905 तक का जो काल वो बुद्धि के क्षेत्र में बंजर काल के नाम से जाना जाता है। अब देखो अभी तक हमने जो देखा भाई, बिने स्केल हुई, बिने परीक्षण हुआ, फलाना ढिमकाना है ना, ये सब फ्रांस में हुआ था, मतलब आउट ऑफ इंडिया। अब भारत में बुद्धि परीक्षणों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो भारत में बुद्धि परीक्षणों का इतिहास, तो 1922 ईस्वी में C.H. राइस ने राइस द्वारा बिना स्केल का भारतीयकरण किया गया। अब आपको पता है ना कि बाहर जैसे विदेश में जो बुक्स चलती हैं है ना, उनका भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो वहाँ के जो राइटर लिखते हैं उसको भारत वाले राइटर अपनी लैंग्वेज में लिख के उनको प्रकाशित करते हैं, राइट। उसी तरह से जो 1922 ईस्वी के अंदर C.H. राइस है, उन्होंने जो बिना स्केल थी उसका भारतीयकरण किया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि बिना स्केल का भारतीयकरण किन्होंने किया था, तो C.H. राइस ने किया था। कब किया था, तो 1922 ईस्वी में किया था। और आई थिंक यहीं से ही शुरुआत हुई है भारत में बुद्धि परीक्षणों की, ठीक है। 1930 ईस्वी में फिर S.M. मोहसिन द्वारा बुद्धि परीक्षण दिया गया और इसी परीक्षण को भारतीय परीक्षणों का मार्गदर्शक माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय परीक्षणों का मार्गदर्शक कौन सा है, और अगर आपको एग्जाम मतलब ऑप्शन के अंदर S.M. मोहसिन द्वारा बुद्धि परीक्षण या फिर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा या फिर C.H. राइस द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1930 में S.M. मोहसिन द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया था उसे ही भारतीय परीक्षणों का मार्गदर्शक माना गया है। अब 1953 के अंदर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी, इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, वाकई में इंपॉर्टेंट और थोड़ा यूनिक सा नाम है ना। 1953 ईस्वी में चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी निष्पादन बुद्धि परीक्षण दिया गया। तो भाटिया बैटरी देंगे और पूछेंगे आपको किसने दिया, तब तो हर कोई आइडिया लगा लेगा कि चंद्रमोहन भाटिया ने दिया है। बट अगर आपसे पूछा गया कि निष्पादन बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना चंद्रमोहन भाटिया। 1962 ईस्वी में प्रयाग मेहता द्वारा सामाजिक बुद्धि परीक्षण दिया गया और 1963 S.S. जलोटा द्वारा सामान्य बुद्धि परीक्षण दिया गया। तो आपको इनको पता है ना, जो लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उनको तो पता है यहाँ पे आप सिद्धांत का नाम लिखना और यहाँ पे कब किसने दिया वो लिखना और कब दिया वो यहाँ पे लिखना, सबसे बेस्ट नोट्स तैयार होंगे, ठीक है। और देखो जिनके पास में ऑलरेडी साइको के नोट्स हैं या जिन्होंने पहले कभी पढ़ रखी है, तो आपको दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम ओनली सुन के काम चला लेंगे, कि जो चीज़ें समझ में नहीं आई या हमें नहीं पता कौन इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो आइडिया लग जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट भी काम देख सकते हो, ठीक है। अब हम भाटिया बैटरी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो भाटिया बैटरी में सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि इसको निष्पादन बुद्धि परीक्षण भी बोला गया और व्यक्तिगत निष्पादन परीक्षण भी है, तो आपको पता ही है पांच भाग थे इसके, ठीक है। भाटिया बैटरी जो प्रयोग था या जो भी था उसको कम से कम पांच भाग में पूरा किया गया। वो है ब्लॉक परीक्षण, अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट, तात्कालिक स्मृति परीक्षण, आकृति परीक्षण, ठीक है, और चित्र रचना परीक्षण।
ये पांच भाग थे। इन पांच भागों को कंप्लीट करने के बाद में भाटिया बैटरी बनकर तैयार हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भाटिया बैटरी के अंतर्गत पांच भाग आते हैं। ओके, अब हम देखने वाले हैं बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण। अब हमने अभी बुद्धि परीक्षण हमने देख लिए हैं, अब हमें इनका वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो व्यक्तिक और सामूहिक के आधार पर करते हैं इनका वर्गीकरण। तो ध्यान रखना, व्यक्तिक के अंदर दो आते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। इसी तरह से सामूहिक में भी दो ही आते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे अभी हमने और आपने मिलकर बातें की है ना, मतलब आपने तो सिर्फ सुनने का काम किया, बट सुना तो है ना, आप कॉन्ट्रीब्यूशन भी है ना, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो कुछ तो दिमाग में जा ही रहा होगा। तो देखो, जो बिने स्केल के बारे में बात की हमने, जो स्टेनफोर्ड स्केल के बारे में बात की, जो वेसलर मापनी के बारे में बात की, ये सब आते हैं शाब्दिक परीक्षण में। इतना ध्यान रख लो, क्योंकि आपसे क्या होगा, एग्जाम्पल मतलब आपसे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है। आपको एक इधर से दे दिया और तीन इधर से दे दिया या तीन इधर से दे दिए, तो आपको वो एक वाला ऑप्शन छांटना है ना जो शाब्दिक में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा शाब्दिक के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो बिने स्केल, स्टेनफोर्ड स्केल, वेशलर मापनी का प्रथम भाग। ठीक है, अब इसी तरह से अशाब्दिक में कौन सा नहीं, ये जरूर ध्यान रखना, ये शाब्दिक वैयक्तिक है। ठीक है, और ये शाब्दिक सामूहिक है। पता चला ये वाला शाब्दिक वैयक्तिक पूछा और आप ये शाब्दिक सामूहिक वाले टिक करके आ गए। ठीक है, ऐसी गलती मत करना। अशाब्दिक अवाचिक के अंदर क्रियात्मक, मतलब इसको जैसे भाषी परीक्षण बोला है वैसे इसको क्रियात्मक परीक्षण भी बोला है। इसमें पोर्टियस का भूल भुलैया टेस्ट, वेस्लर मापनी का द्वितीय भाग इसमें आया और प्रथम भाग इसमें आया है। पीटर पैटर्नसन का क्रियात्मक परीक्षण और मेरियस पामर का बिल्डिंग परीक्षण। आप बोलोगे मैम आपने ये तो पढ़ा ही नहीं, तो बेटा आपको जितनी बुद्धि पढ़नी है ना उतनी पढ़ा चुकी हूँ, ऐसे तो फिर पढ़ते रहो पेपर भी हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण और प्रयाग मेहता परीक्षण और जलोटा परीक्षण। जलोटा परीक्षण के बारे में बताया था ना अभी, अरे भारत के लोगों ने दिए थे वो, उन टेस्ट के अंदर ही है कि भाटिया बैटरी के बारे में जस्ट भाटिया बैटरी से जस्ट ऊपर बताया था। इसी ऐसे ही इसमें अशाब्दिक में आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, पिजन का परीक्षण और डियर बॉन्ड की परीक्षण। अब देखो आप बोलोगे मैम एक बार के लिए आप बता दो इसमें से क्या क्या ध्यान रखें और क्या नहीं। देखो मुझे पता है चल जाता है, आप नहीं भी बोलोगे तो भी। तो देखो, बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण व्यक्तिक सामूहिक, इतना तो ध्यान रखना ही है। अब व्यक्ति को भी दो में बांट दिया, शाब्दिक अशाब्दिक, सामूहिक को भी शाब्दिक अशाब्दिक। ठीक है, अब इसके अंदर आप सिर्फ बिने स्केल ध्यान रख लेना, स्टेनफोर्ड स्केल ध्यान रख लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ही भूल भुलैया टेस्ट ध्यान में रखना है और इसके अलावा एक ही बिल्डिंग परीक्षण। यहाँ पर आपको सिर्फ ये जालोटा परीक्षण ध्यान रख लेना और प्रयाग मेहता का, और इधर से मेरे हिसाब से ये पिजन वाला बस। क्योंकि क्या है ना कि अगर आपको इतने से भी याद होंगे और ऑप्शन दे रखे होंगे ना तो आप छाट लोगे। अगर आपसे अशाब्दिक पूछे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपसे ऑप्शन फिर कहाँ से देंगे, शाब्दिक में से ही देंगे ना, तभी तो आप अशाब्दिक छाट पाओगे। तो आपने अगर एक तरफ के शाब्दिक या अशाब्दिक भी पूरे तरह से याद कर लिया ना तो आप फिर ऑप्शन डिलीट करके उस सवाल के आंसर तक पहुँच सकते हो ना बेटा, कि ये तो अशाब्दिक है, ये तो मैंने पढ़ा था, तो ये तो शाब्दिक होने से रहा, काटो इसे, दूसरे को भी काटो, तीसरे को भी काटो, चौथे पर अपने आप पहुंच जाओगे। और हाँ, अच्छी याद आई बात, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो प्लीज़ जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंचा जा सकता है, रियली पहुंचा जा सकता है। कभी आप कंफ्यूज रहो ना चारों में तो आपको ये देखना है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता और ये तो कतई नहीं हो सकता, बच्चे अब ये वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन। तो जब 50-50% पे पहुंच जाओ ना तब आप फिर भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। बट अगर आपके अगर आपने अच्छे खासे अटेम्प्टिंग करी है ना तब तीन 50-50 में भी रिस्क नहीं लेनी है। बट आपको पता है कि मैं तो वही जनरल में आता हूँ या ओबीसी में आता हूँ, मेरे को इतनी तो अटेम्प्टिंग करनी पड़ेगी, इतने से मार्क्स से कुछ नहीं होगा, तब आप सिर्फ इन 50-50 वालों पे ही अपनी किस्मत आजमा सकते हो। ठीक है, बट चारों ऑप्शन में ही डाउट है तो मत करना ऐसी गलतियाँ, ऐसे सेलेक्शन नहीं होते। इसके बाद में संस्कृति मुक्त परीक्षण के बारे में, तो रोमेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट,
और कैटल का बुद्धि परीक्षण, आप तो ये कैटल का बुद्धि परीक्षण ये इसके इन्हीं के अंदर आता है, मतलब संस्कृति मुक्त परीक्षण के अंदर दो टेस्ट आते हैं और उनका नाम मैंने आपको बता दिया है। अभी हमने बुद्धि का वर्गीकरण, बुद्धि के परीक्षणों का वर्गीकरण देखा था, राइट। यहाँ पर हम टर्मन के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से आपसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, और मोस्टली तो बुद्धि का अगर कोई सवाल आता है ना तो इसी टेबल से ही हो जाता है। सिद्धांत में पूछे जाएंगे तो बिना स्केल वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं, अदरवाइज कोई भी इतना डीप में नहीं जाता। अगर आपके पास में साइको के बुद्धि के सवाल कहीं दिखे तो एक बार ज़रूर देखना, इस टेबल से सवाल 101% आता है। अब किस टाइप के सवाल आते हैं वो देखते हैं। तो देखो टर्मन के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण, तो इन्होंने बुद्धि लब्धि आईक्यू की ही बात की है कि अगर किसी बच्चे की आईक्यू जो है वो 0 से 20 या 25 से कम है तो उसको हम बोलेंगे भाई ये तो जड़ बुद्धि का है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। ऐसे ही अगर 20 या 25 के बीच में है या फिर 30 से कम है तो हम उसको मूर्ख की कैटेगरी में रखेंगे। तो आपको क्या है ना, या तो आईक्यू दे देते हैं, आईक्यू के मतलब किसी बालक की 20 से 25 आईक्यू बताओ वो निम्नलिखित में से किस में आएगा, तो ध्यान रखना जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, अल्प बुद्धि, तो ध्यान रखना मूर्ख बुद्धि के अंदर। या फिर आपको मूर्ख बुद्धि दे के आईक्यू पूछा जा सकता है। अब जैसे 50 से 70 से, अगर 50 से 70 के बीच में या 70 से कम है तो उसको आप अल्प बुद्धि की कैटेगरी में रखोगे। अब देखो ये ऐसे करे हुए जो आपको दिख रहे हैं ना, ये मैंने अब ऐड करा है ऊपर से, मतलब नोट्स के अंदर आप कुछ करेक्शन करते हो ना तो उनको अलग से आपको दिख जाए, इसी वजह से ऐसे लिखा गया है। तो 70 से कम है तो उसको निश्चित क्षीण बुद्धि कहा जाएगा। और इसी को अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त मंदित बालक है और उसके अंदर आपको ऑप्शन दे 50 से 70 से कम या 70 से 80 से कम, तो ध्यान रखना 70 से कम जो है, समझ जाना वो मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त है, मंदित है, ठीक है। 70 से 80 के बीच में या 80 से कम तो ये सीमावर्ती में हो जाता है, क्योंकि आपको आप खुद देख रहे हो। इससे सीमावर्ती इसलिए बोला गया है क्योंकि इधर वाले बेचारे बहुत ही नासमझ टाइप के हैं और इससे इधर वाले जो बच्चे हैं वो एकदम मस्त वाले समझदार टाइप के बच्चे हैं, ठीक है। तो 70 से 80 से कम इनको क्षीण बुद्धि की कैटेगरी में रखा गया है, इन बॉर्डर बोला गया है, आपको बताया दिया हमने सीमावर्ती क्यों बोला गया है ना। अब 80 से 90 मतलब 90 से कम इनको निम्न औसत की कैटेगरी में रखा गया है। इनको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पिछड़ा बालक या धीमी गति से सीखने वाला बालक, मतलब सीखेगा तो सही पर धीमी गति से सीखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक वर्ड से सवाल है आपसे पूछ ले, धीमी गति से सीखने वाले बालक की आई क्यू तो ध्यान रखना 80 से 90 के बीच होगी, पिछड़ा बालक की पूछ ले या आपसे ऐसे पूछ ले निम्न औसत आई क्यू, तो ये टेबल वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से 90 से 110 से कम मतलब 90 से 110 के बीच में या 110 से कम, तो ध्यान रखना वो आती है औसत में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया था क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने निम्न औसत की बात करी वैसे ही औसत की, मतलब ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो एवरेज के ही माने जाते हैं वैसे भी, और बाद में उच्च औसत वाले है ना, उच्च औसत वाले में ये 110 से 119 वाले आते हैं, और श्रेष्ठ के अंदर 110 से 120 जिनकी आईक्यू होती है वो श्रेष्ठ के अंदर आते हैं, ठीक है, या 120 से 130 भी आप बोल सकते हो। इसके अलावा जो 120 से 140 जिनकी आईक्यू होती है ना, मतलब 130 से अधिक वाले, वो अति श्रेष्ठ में आते हैं, हायर में आते हैं, और 140 से ऊपर वाले तो भाई एक आध दो ही मिलते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली हाईएस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब क्या ही बताएं, अगर किसी की आईक्यू इतनी है ना, एक सेकेंड, इस औसत वाली कैटेगरी में अभी आती है ना 90 से 110, और मोस्टली इसी में ही मिलते हैं, है ना, तो लाजवाब है। बट अगर किसी की गलती से इतनी आईक्यू हो गई ना भाई, पूछो मत, वो चलता फिरता कंप्यूटर है, ठीक है। अब स्टर्न बुद्धि लब्धि और मानसिक आयु, मतलब जो स्टर्न ने जो फॉर्मूला दिया था बुद्धि लब्धि का, वो इन्होंने ये दिया था कि मानसिक आयु को अगर डिवाइड कर दो वास्तविक आयु से, मैंने आपको कल भी यही चीज़ बोली थी जब आई थिंक मैंने आपको वाइगोट्स की जेड पीडी के बारे में बताया था कि आप वास्तविक आयु देखकर ये डिफाइन नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि इसकी मानसिक आयु कितनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो होते तो 10 साल के हैं, बट भाई उनमें 15 साल के बच्चे जितनी समझ भी रहती है, ठीक है। तो मानसिक आयु अलग चीज़ है, वास्तविक आयु अलग चीज़ है। तो स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के बारे में जो बताया, वो मानसिक आयु डिवाइड बाई वास्तविक आयु डिवाइड कर दोगे तो उसका बुद्धि लब्धि मतलब आई क्यू निकल के आ जाएगी, ये इन्होंने बोला था।
बट टर्मन वाला ज़्यादा यूज में आता है। और आपको भी अगर बुद्धि लब्धि पूछा जाए क्वेश्चन में तो आपको इसी फॉर्मूले से निकालनी है कि मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। और यहाँ से सवाल किस तरह से आते हैं तो ध्यान देख लो एक बार। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष से, ये आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा, तथा वास्तविक आयु जो है वो 10 वर्ष है, तो वो किस वर्ग का बालक है। अभी जो अपन ने इतनी देर पढ़े थे ना, जड़ बुद्धि, औसत औसत वाली या हायर वाली है ना, ये सर्वश्रेष्ठ वाले या मानसिक, मतलब जो भी हमने पढ़े थे अभी, तो वो सब चीज़ें या तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अदरवाइज से घुमा कर भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आईक्यू डायरेक्ट दी नहीं है, इन्होंने आईक्यू आपसे निकलवा लिए, क्योंकि एग्जामिनर में, मतलब जो एग्जामिनर था वो इंटेलिजेंट था, उन्होंने सोचा बच्चों का आईक्यू क्या है, डायरेक्ट थोड़ा घुमा के पूछता हूँ। तो आईक्यू निकलवाने के लिए आपको सामान दे दिया और आईक्यू निकालो और अब बताओ कौन से वर्ग में है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 120 समथिंग वाले जो बच्चे आते हैं वो अति श्रेष्ठ में आते हैं, राइट, तो इस तरह से वर्ग बट जाते हैं। ऐसी एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि के 75 है, आपको ये आगे से ही बोल दिया इसने, और मानसिक आयु भी बता दी कि 15 वर्ष है, तो वास्तविक आयु क्या होगी, तो फॉर्मूला तो वही लगने वाला है ना। बस इन्होंने बुद्धि लब्धि दे दी है, तो बुद्धि लब्धि यहाँ आती 75 बराबर, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, मानसिक आयु डिवाइड बाई वास्तविक आयु, तो इन्होंने मानसिक आयु आपको दे रखी है 15, और वास्तविक आयु से आप डिवाइड करोगे, है ना, इसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो इन्होंने क्या किया है, सिर्फ इस वास्तविक आयु को उठा के इधर ले गए और 75 को यहाँ नीचे पटक दिया, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें सवाल में वास्तविक आयु पूछी गई है। वैसे ही मानसिक आयु भी पूछ सकते हैं, तो बस एक ही फॉर्मूला है, इसको घुमा फिरा के थोड़ा बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बुद्धि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। बुद्धि में सिद्धांत इतने नहीं पूछे जाते, सिद्धांत अधिगम में पूछे जाते हैं, बट बुद्धि में ये बुद्धि लब्धि से सवाल बनते हैं। इसी तरह से एक बालक है जिसकी मानसिक आयु हिंदी में 12 वर्ष, अंग्रेजी में 9 वर्ष, गणित में 11 वर्ष है, ठीक है भाई, सबकी अलग अलग दे दी। उसकी वास्तविक आयु जो है वो 10 वर्ष है, वह किस प्रकार की बुद्धि का बालक है। ये लो थोड़ा टिपिकल सा सवाल, सोचो थोड़ा जरा। इन्होंने आपको मानसिक आयु दे रखी है ना, मानसिक आयु दे रखी है तो सबको जोड़ दो, 12 + 9 + 11, उसकी वास्तविक आयु आपको दे रखी है 10, है ना, तो वह किस प्रकार का बुद्धि का बालक है। तो आपको क्या करना है, जो मानसिक आयु उनको जोड़ के लिख दो और जो वास्तविक आयु है उनको इसको लिखो दो, तो 106 इसका आंसर निकल के आ जाएगी, ठीक है। इनका औसत निकाला है बेटा, ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं ना 2 + 2 इनका एवरेज, तो आप क्या करोगे, इनको जोड़ के इनसे 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये दो संख्या है, जैसे 3 + 3 + 3 ये 3 है, तो इनको 2 से डिवाइड करके आपको एवरेज निकालना आता है ना, किसी भी दो संख्याओं का उस हिसाब से इन्होंने एवरेज निकाला है। तो इन्होंने 12 + 9 + 11 जोड़ा 32, यहाँ पे 3 दे रखी है इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया, तो जितना निकल के आया ना उसको इन्होंने मानसिक आयु दे दी, ठीक है, पहले जोड़ा फिर इसका औसत निकाला और उसके बाद में उसको यहाँ पे पुट कर दिया और फिर यहाँ से आंसर निकाल लिया। अब 106 उसकी आईक्यू हो गई, बता दिया भाई साहब। लास्ट पॉइंट है संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि को इमोशनल, अब संवेगात्मक संवेगों से जुड़ी हुई है भाई, संवेग कौन कौन से हैं बताओ, रोना धोना खुश होना है दुखी होना, ये सब भी तो इमोशनल है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं। अब 1990 ईस्वी में अमेरिकी प्रोफेसर जॉन मेरियर और प्रोफेसर पीटर सेलोवी ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। और 1995 ईस्वी में अमेरिका के प्रोफेसर डेनियल गोलमेन ने संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्धि दिलाई थी। प्रोफेसर डेनियल गोलमेन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, इन्होंने मतलब बुक वगैरह के बारे में भी लिखा है, और 1997 के अंदर संवेगात्मक बुद्धि तथा संवेगात्मक विकास के बारे में भी इन्होंने बताया। तो आप तो सिर्फ इतना ध्यान, आपसे अगर कोई पूछे तो ध्यान रखना संवेगात्मक बुद्धि जो होती है वो इमोशंस के साथ में जुड़ी हुई बुद्धि है, ठीक है, क्योंकि संवेग फिर भी समझ ना आए बट इमोशंस फीलिंग्स तो समझ में आती है ना, सबको आती है, ठीक है। तो 1990 ईस्वी में अमेरिकी प्रोफेसर जॉन मेयर ने इनके बारे में बताया था, आप सिर्फ ये और ध्यान रख लो। संवेगात्मक बुद्धि प्राणी की वह क्षमता या योग्यता है जिसमें प्राणी अपने विचार प्रक्रिया को संचालित रखते हुए दूसरों के संवेगों को नियंत्रित वर्ड मैंने ग्राउंड किया है, अभी बताती हूँ क्यों, रखते हुए समझना पहचानना अपने संवेगों को समझाना नियंत्रित करना तथा स्वयं को निर्देशित करना एवं दूसरे के साथ में समायोजन स्थापित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही संवेगात्मक बुद्धि है,
अब देखो, नियंत्रित को इसलिए राउंड किया है कि मान लो आप किसी को कोई अपनी बात समझा रहे हो, है ना, आप अपने विचार प्रकट कर रहे हो, आप अपनी बात रखना चाहते हो, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि अगले वाला शांति से सुने। आप ऐसी भाषा का यूज़ करो कि वो अगले वाले को गुस्सा आ जाए, वो आपकी पूरी बात सुनने के बजाय, आपसे समायोजन बैठाने के बजाय आपकी बनती हुई बात बिगड़ जाए और वो चला जाए, तो वो आपकी बुद्धि की होशियारी नहीं है। आपको पता है ना, एक कहावत तो हर कोई इसी ने सुनी होगी, मतलब के लिए गधे को भी भाव देने पड़ते हैं ना, ठीक है। मुझे पता है कहावत थोड़ी सी अलग है, बट मेरे को नहीं पसंद ये पूरी बोलना। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि समय ज्ञात में बुद्धि का यूज़ तब करते हैं प्राणी जब उनको समायोजन बैठाना हो, अपनी बात किसी के सामने रखनी हो, अपने विचार प्रकट करने हो, अपनी भावनाएं बतानी हो, ठीक है, किसी को समझाना हो, पहचानना हो, ठीक है, बट सब नियंत्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा गुस्सा आ रहा है और आपने किसी को गुस्से में गाली गलौज कर दी या फिर आपने किसी का सर फोड़ दिया, अरे आप अपना नुकसान करवाया है, अब आप पे केस हो सकता है। अगर गुस्सा आ रहा है तो एक लिमिट तक करो ना, आपको लगे इस लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, ठीक है, चार बात मैंने बोली, दो बात उधर से बोली, आ गए अपने अपने घर। जब उधर से दो ही बात बोली गई है और आप हाथापाई तक उतर आए हो तो गलत कौन हो गया? चाहे आप सही हो, सही के लिए लड़ रहे हो, बट फिर भी गलत हो ना, केस तो हो सकता है। तो वही चीज़ एक नियंत्रित, एक लिमिट में होनी चाहिए ये चीज़ें। फीलिंग्स, अब आपको पता है बहुतों की फीलिंग्स मिस बस बहुतों की खुद की ही है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते ना, तो हर चीज़ एक लिमिट तक ही ठीक लगती है नियंत्रित वे में। तो समय के आत्मक बुद्धि का लेना देना नियंत्रित से बहुत अच्छे से है। बाकी आप इन लाइनों को एक बार रीड खुद से कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा समय के आत्म बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं जो देख लेते हैं, फिर आपके बुद्धि वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो संवेग आत्मक बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है, ठीक बात है, ये संवेगों से संबंधित होती है। तो आप नाम से ही पता चल रहा है कि जब समय का आत्मक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ऑब्वियस है कि इमोशंस के साथ में ही जुड़ी हुई होगी, है ना। समय का आत्मक बुद्धि को अनुभव तथा प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। मान लो किसी को बहुत गुस्सा आता है, बात बात पर चिड़चिड़ापन, बट उसको अगर ऐसा माहौल दें जहाँ पर उसको ऐसा प्रशिक्षण दें जहाँ पे शांति से, प्यार से, चाहे वो कितना भी गुस्सा करे फिर भी उससे पूछे, और भाई तू ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा मन कर रहा है तो दो गाली और दे दे, तो उसको इस तरह से ट्रीट करें कि वो उसके व्यवहार में मतलब अनुभव से या प्रशिक्षण से परिवर्तित किया जा सकता है संवेगात्मक बुद्धि में। एक टाइम पर उसको भी लगेगा, यार मैं क्यों फालतू में चिड़चिड़ा हुआ घूमता रहता हूँ। बहुत बार बोलते ना ऐसा कि अगला वाला गुस्सा कर रहा है तो आप चुपचाप थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, उसको लगेगा मेरे गुस्से का इस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, भाव ही नहीं मिल रहे मुझे, तो वो अपने आप चुप हो जाएगा बकना। तो वही चीज़ है, संवेगात्मक बुद्धि कोई आवश्यक नहीं है कि उम्र के अनुसार बढ़े, ये घट भी सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संवेगात्मक बुद्धि जो है वो एज के हिसाब से बढ़ेगी, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। बट अगर बुद्धि लब्धि की बात पूछे आपसे, और मान लो ऐसे सवाल पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि एज के साथ में बढ़ती है, तो डेफिनेटली बढ़ती है, ठीक है। बट समय का आत्मक बुद्धि जो है कोई गारंटी नहीं है कि उम्र के साथ बढ़ेगी, वो कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। समय का आत्मक बुद्धि का जो विकास है वो भारतीय परंपरा की सामान्य बुद्धि संपत्ति से माना जाता है। तो समय का आत्मक बुद्धि का विकास किससे माना जाता है? तो भारतीय परंपरा की सामान्य बुद्धि संपत्ति से। समय का आत्मक बुद्धि का जो मापन है वो करने के लिए समय का आत्मक लब्धि निकाली जाती है। जिस तरह से अभी हम IQ निकाल रहे थे वैसे ही यहाँ पर EQ निकाली जाती है, ठीक है। समय का आत्मक लब्धि, तो समय का आत्मक लब्धि का फॉर्मूला, जहाँ अपन मानसिक आयु रख लेते बस वहाँ पे समय का आत्मक आयु रखनी है, बाकी सब सेम है। तो IQ और EQ दो अलग अलग चीज़ें हैं, मिक्स मत कर देना, ठीक है। बाकी बस आपका बुद्धि का चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में आई थिंक अभिवृद्धि और विकास पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी आपकी साइको कंप्लीट होने पे है, और आपने पेशेंस के साथ में इनको देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका फल आपको एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।